आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक मार्क्स प्राप्त करने के कुछ टिप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी छात्रों में हमेशा बोर्ड के एग्जाम को लेकर के चिंता बनी रहती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती कि आप इसमें अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ा सा टिप्स आप अपना करके आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले एक नंबर में कि प्लान के साथ आप सभी विषयों की सेटिंग करें। प्लान के साथ प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स के लिए काफी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है और किस सब्जेक्ट के टॉपिक को बाद में पढ़ना है। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कैसे टॉपिक को विभाजित कर पढ़ना है, तो इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी मदद लें। और उसके साथ पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है, यानी क्वेश्चन बैंक का प्रयोग करें। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एग्जाम से पहले ना वो सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे जिनके पूछे जाने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। आप ये समझ पाओगे कि पहले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार इस साल उसी आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये था पहला। दूसरे नंबर पर आता है तैयारी पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए, अच्छी तरह सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम स्ट्रेस को काफी कम करता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है, मान लीजिए 20 दिन का समय है और 40 टॉपिक्स पढ़ना है, तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर कीजिए, क्या दिक्कत है। ध्यान रखिएगा, आप पढ़ने का रूटीन ना ऐसा मत बनाइएगा कि एक दिन हम 24 घंटा पढ़ेंगे या 20 घंटा पढ़ेंगे। आपका 12 घंटा अच्छा से पढ़ना काफी होगा, और इसमें भी बीच बीच में आराम जरूरी है। वो 18 या 20 घंटा का जो होता है ना समय, वो अव्यवहारिक टाइम टेबल होता है, उसे अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 12 घंटे का रूटीन बनाइए और उस पर फोकस कीजिए। ये था दूसरा। अब बात करेंगे तीसरे टॉपिक का। आप सकारात्मक सोच रखें, ये आपके लिए ये अहम टॉपिक है, काफी अहम टॉपिक है आपके लिए। सकारात्मक सोच रखें यानी पॉजिटिव रहे। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। छात्र जितना टेंशन लेता है ना, अगर उसका 50% भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दे तो काफी बेहतर अंक प्राप्त कर लेता है। लेकिन होता क्या है कि हम टेंशन इतना ले लेते हैं और पढ़ाई करते नहीं, और पढ़ाई करते भी है तो वो जो टेंशन है ना हमारी पढ़ाई को खा जाता है। तो सकारात्मक सोच रखें, इससे बहुत लाभ होगा और आपके अंदर की सारी खूबियां दिखने लगेगी। आप निगेटिव रहोगे तो आपको केवल अपनी कमी नजर आएगी, और आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपकी सारी खूबियां दिखेंगी। और जब खूबियां दिखती है ना तो इंसान ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइम लिमिट के साथ करें पूरे क्वेश्चन का हल। आप टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन पेपर को हल करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम, जैसे मान लीजिए 3 घंटे का आपका एग्जाम है, 15 मिनट एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं आपको। अब अगर आप उसको हल करने में 4 घंटे लगाते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप उसको 3 घंटे के अंदर हल करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह है ना कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय याद रहे कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत जो है ना उसे सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान होगा। ये तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा बल्कि आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। अब बात करेंगे पांचवा पॉइंट का। पांचवा पॉइंट होगा आपके लिए जागरूक अध्ययन, यानी जब आप अध्ययन करें तो उसमें जागरूक जरूर रहें। अधिक पढ़ने से जरूरी है कि आपको, ऐसा नहीं है कि आप अधिक पढ़ेंगे तो आपको अधिक अंक प्राप्त होगा, आपको ज्यादा अंक प्राप्त होगा। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब आप जागरूकता के साथ अध्ययन करते हो। इसके लिए आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की मदद तो ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप जो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत बातें जानकारी के लिए दी जाती है, उसका परीक्षा से उतना वास्ता नहीं होता। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर इस बात को ध्यान में रखना होगा।
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े इस स्थिति में पड़ जाएंगे और बेवजह तनाव में आ जाएंगे। और जैसे आप तनाव में आइएगा आपका जो प्रोग्रेस लेवल है वो घटने लगेगा, आप डाउन होने लगोगे और आप निगेटिव होते जाओगे। तो इसलिए जागरूक विद्यार्थी बनना बहुत जरूरी है। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जागरूक अध्ययन बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे छठा टिप्स का। छठा टिप्स होगा आपका सब्जेक्ट को समझिए, रट्टा मत मारिए। अगर आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी यह है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ किताबों या गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर को ना बार बार उसको केवल रटते हैं, लेकिन आपका केवल रटने से नहीं होगा। आप जब तक उसे समझेंगे नहीं आप बेहतर प्रदर्शन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो आपको सब्जेक्ट को केवल रटना नहीं है, उसे समझना है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टिप्स का, और नेक्स्ट टिप्स होगा आपका आप जंप न करें। यह जंप करने का मतलब है कि कई बार छात्र ऐसा होता है कि उन्हें जो आसान लगता है उसे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है और उस कठिन अध्ययन के लिए वो जो हार्ड टॉपिक होता है उन्हें कम समय मिलता है, और जब कम समय मिलता है तो वो परेशान हो जाते हैं, उस टॉपिक को ही छोड़ने लगते हैं, जिससे और वो निगेटिव होते चले जाते हैं। तो इसलिए परीक्षा के लिए सुझाव दिया जाता है कि जो कठिन चीजें हैं उसकी तैयारी आप पहले कर लें। तो सातवां आपका टॉपिक था जंप नहीं करें। अब बात करेंगे आठवां टॉपिक का, और आपका आठवां टॉपिक होगा टाइम टेबल बनाएं। हाँ जी सही सुना आपने, आपको टाइम टेबल बनाना है। यह देखा गया है कि टॉप आने वाले स्टूडेंट अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाते थे। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज्यादा कमजोर हैं उस विषय पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा जिस विषय पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने के लिए भी समय दें। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा जानते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, आप गलत करेंगे अगर ऐसा करते हैं। तो आपको उसे रिवीजन भी करना है। जो आप पहले से जान रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए, और आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसमें ज्यादा समय दीजिए। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है ना कि वो टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाने की बारी आती है तो उसे कतराते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो अपने बनाए गए टाइम टेबल को न छोड़ें, उसे उबे नहीं। जैसा आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है उसे फॉलो करें, इससे आपको सफलता जरूर मिलती है। अब बात करेंगे हम अगले टिप्स का। आपका अगला टिप्स होगा नोट्स बनाएं। देखिए ये बिल्कुल सत्य है, ये जांचा गया है, परखा गया है, नोट्स हमेशा आपकी मदद करेगा। जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चले। अक्सर बच्चे क्या होता है पढ़ते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते, उन्हें टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देख करके दबाव में आ जाते हैं। उस समय क्या होता है आपके बनाए नोट्स ना बहुत सहायता करते हैं, रिवीजन में भी काफी उससे सहायता मिलती है। अधूरा काम बाद में करने से क्या होता है आपके रिजल्ट पर असर पड़ता है। डेली लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी के साथ अपने नोट अपने क्या करें अपने नोट्स को दोहराते रहें, उस पर प्रैक्टिस जारी रखें। आपके लिए अगला टिप्स है अच्छा भोजन करें। जी हाँ, अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छा खाना भी जरूरी है। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए ना जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। आपके खाने में हरी सब्जियां, ताजा फल, ये सारी चीजें, दूध, अंडा, ये सब होना चाहिए। जंक फूड वगैरह इन सब चीजों से आप दूरी बनाएं। बहुत ज्यादा वसा वाली चीजें न खाएं। उससे क्या होगा कि आप आलस के शिकार होते जाओगे, केवल सोने का मन करेगा। तो अच्छा भोजन बहुत जरूरी है। आपके लिए अगला टिप्स होगा लिखकर प्रैक्टिस करें। बहुत से छात्रों की आदत होती है कि वे बोलकर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं, पर परीक्षा के लिए केवल इतना ही काफी नहीं, आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए और साथ ही आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार बच्चे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन लिखने का समय नहीं मिला। यह दिक्कत आपके साथ न हो इसलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपकी लिखावट की स्पीड अच्छी होगी और साथ साथ आपकी लिखावट सुंदर भी होगी
और उसमें सुधार होता जाएगा जो आपके बेहतर मार्क्स में काफी मदद करेगी। इसलिए अगला टिप्स होगा, आप गैजेट से दूर रहें। देखिए आजकल हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर होते ही है, कंप्यूटर हो या ना हो मोबाइल तो फिक्स है। कुछ दिनों के लिए इन चीजों को आप अपने से दूर करके रखें। गेमिंग तो बिल्कुल नहीं करना, गेम बच्चों को खेलने का बहुत मन करता है लेकिन उसे आप बिल्कुल इग्नोर करके करके रखें, आप गेम की तरफ अट्रैक्टिव हो ही ना, तो आपको गैजेट से दूर रहना है। और आपके लिए लास्ट टिप्स ये होगा कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए अच्छा होता है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। परीक्षा के कुछ दिन पहले से या कुछ माह पहले से सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना ही चाहिए। सुबह अपने नियमित कार्यों को